नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ब्रिजेश और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और साथ ही मैं नोट्स बुक आईएएस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बड़ी खुशखबरी को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन को मंजूरी मिल गई है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश को अपनी एक पहली एयरलाइन जो कि उत्तर प्रदेश से बेस्ड है, उसको मंजूरी मिली है। और नाम क्या होगा? शंखा एयर। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेट करता है। हमारे सिलेबस में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पेपर थर्ड इंडियन इकोनॉमी में, वो क्या कर रहा है? एविएशन सेक्टर के बारे में बात करता है। तो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड आज कुछ हम अचीवमेंट और इसमें क्या प्रगति हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अभी क्या हुई है। भारत के जो विमानन क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत तेज़ी से कहने का मतलब कि हमारी जो फ्लाइट्स है, डेली रनिंग्स है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आगे क्या हो रहा है, आगे एक तरीके से हम इसको विकास के रूप में देख रहे हैं। और क्षेत्रीय एयरलाइन, इसमें शंख एयरलाइन जल्द ही क्या कर रही है, उड़ान भरने के लिए तैयार होगी। आप जल्द ही शंख एयरलाइन में बैठ के अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप जा पाओगे। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसको मंजूरी प्राप्त हो गई है और यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी। उत्तर प्रदेश यूपी की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन होगी, इसकी प्रमुख बात हो जाती है। अगर हम बात करें तो जो शंख एयरलाइंस है, तो शंख एयरलाइन कई शहरों को जोड़ने का इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य अभी वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश के कुछ जो शहरों को है, पर इसका अगर हम पूरा उद्देश्य देखें, इसकी वेबसाइट में अगर जाने के बाद देखते हैं, तो ये संपूर्ण भारत देश को जोड़ना और साथ ही आगे आगामी वर्षों में ये हमको इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप में भी देखने को मिलेगी। अगर बात करें हैं हम, तो अभी यह कहाँ पे है, लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर रही है। मतलब इसका हब जो होगा नोएडा के रूप में देखा जा रहा है, साथ ही लखनऊ को देखा जा रहा है। और यह शंख, जैसे हमने पहले ही बताया कि पहली उत्तर प्रदेश की अनुसूचित एयरलाइंस होगी जिसका केंद्र लखनऊ और नोएडा में होगा। और साथ ही भारत के प्रमुख शहरों को इसका जोड़ना क्या हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। अगर हम बात करें कि इस प्रक्रिया में उन क्षेत्रों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जो अनसर्व्ड हैं, या कि अनसर्व्ड कहें कि जहाँ तक अभी एयरलाइन की पहुँच नहीं है, या कि जहाँ पे एयरलाइन की पहुँच बहुत कम है, मतलब वीकली एक दो फ्लाइट है या तो वहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों को जोड़ना जो अभी अनसर्व्ड है या कि अंडरसर्व्ड है, उन क्षेत्रों में अपनी पहुँच को बनाना और साथ ही पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय अगर हम अभी जो डिसाइड हो रहा है वो जेवर में होगा। आपको पता ही है कि जेवर एक महत्वपूर्ण जो इंडिया का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको जेवर में स्थापित किया जाएगा, यहीं पे इसकी क्या होगी, हब होगी। जैसे लखनऊ और नोएडा में भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ने की है। और कंपनी अभी वर्तमान में 3 बोइंग की एयरलाइंस को लिया है, 787-800NG विमान को लिया है, जिससे अपनी इन 3 के माध्यम से अपनी सेवाओं को प्रारंभ करेगा। तो हमने देखा कि इसका हब कहां पे हो रहा है, इसका हब जेवर में हो रहा है। वहीं बात करते हैं कि अब तक इसको DGCA की अनुमति बाकी है। अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री आप एविएशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो DGCA है, उससे DGCA कहने का मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से, इसे अभी मंजूरी प्राप्त करना बाकी है। तो अगर DGCA से मंजूरी मिलने के बाद ही कोई एयरलाइन अपने आधिकारिक रूप से उड़ान का संचालन कर पाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि जो पहले हम किससे लेना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, DGCA नागरिक उड्डयन निदेशालय के से अनुमति लेनी पड़ती है। और इसकी अनुमति लेने के बाद ही कोई अगर एयरलाइंस अपने फ्लाइट को प्रारंभ करती है। तो रही प्रमुख बातें। और इसमें देखें कि इस नई एयरलाइन का उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इस नई एयरलाइन के उद्देश्य के रूप में इसका प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण यहाँ पे एक तरीके से कम्पिटिटिव प्राइस बनाना, जिससे जो आम नागरिक हैं, जो अब तक अगर बात करें विमान में अपना सफ़र नहीं किए हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस हो सके। और साथ ही भारतीय विमानन के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लाना है। दृष्टिकोण कहें तो इसमें हम बेहतरीन उड़ान के अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जो इस शंखा एयरलाइंस की जो उद्देश्यों में देखते हैं, तो एक तरीके से प्रतिस्पर्धी मूल्य और बेहतरीन अनुभव के रूप में इसका उद्देश्य के रूप में स्थापित होती है। तो रही अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो एयरलाइंस के मुख्य, भारतीय एयरलाइंस के मुख्य कंपटीशन को देखते, तो आज के डेट में प्रमुख खिलाड़ी कौन हो जाता, आज के डेट में प्रमुख खिलाड़ी इंडिगो के रूप में देखते हैं। और इंडिगो अगर मार्केट शेयर की बात करें, तो भारत में 60% से अधिक उड़ानों का हिस्सा किसका है,
इंडिगो को है। अगर वहीं बात करें तो 63% की वर्तमान बाजार की इसकी हिस्सेदारी है। एयरलाइन और भी अधिक मार्केट को आकर्षित करती है और इसके द्वारा ये कहा भी जा रहा था कि इसके इंडिगो एयर ऐसा अपना कंपटीशन क्रिएट करती है जिससे जैसे कोई अगर फ्लाइट है, अगर सपोज करें कि सुबह के 12 बजे कोई फ्लाइट है और 12 बजे की 1 बजे कोई भी फ्लाइट है, कोई भी समय हो गया, तो उसके पहले ये क्या करता है, इंडिगो अपनी फ्लाइट शेड्यूल कर सकता है। मतलब अगर 12 बजे है तो 12:10 या कि हम 11:55 में फ्लाइट शेड्यूल कर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि अपना मार्केट कवरेज बढ़ाना चाहता है। ये बड़ा एयरलाइंस है, ये तो अगर इसके अगर एक बात करें कि ये ऐसा करने के पीछे इसका मकसद क्या है कि इतना बड़ा है ये तो अगर कम पैसेंजर होंगे तो भी डील कर लेगा, पर अगर कोई छोटी एयरलाइंस है जो अपकमिंग एयरलाइंस है ऑलरेडी घाटे में चल रही है वो क्या होगा, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना, एक तरीके से भारत के जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें प्रमुख हिस्सेदारी के रूप में, और यहाँ आज जो संख एयरलाइंस के रूप में नई आई है उसकी भी प्रमुख कंपिटिटिव इंडिगो के रूप में ही देखा जा रहा है, ते बात होती है। इसी बीच अगर हम देखते हैं कि भारत की जो एविएशन सेक्टर में जो ज़्यादातर जो एविएशंस हैं, अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जो एयरलाइंस हैं वो घाटे में चल रही हैं। आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि अगर हम बात करें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन जो है एयर इंडिया भी तेज़ी से अपना विस्तार कर रही है। अगले साल तक आपने देखा है कि जो टाटा समूह की और साथ में सिंगापुर एयरलाइन के सह अस्तित्व वाली कौन सी है, विस्तारा एयरलाइंस को जो एयर इंडिया है अपने अंडर में लेने की बात की जा रही है। अभी कुछ लेके लीगल इशू है, इंटरेस्ट पेमेंट को लेके इशू चल रहा है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट क्लियर होता है तो विस्तारा भी अपनी सर्विसेज बंद कर रही, मतलब ये भी एयर इंडिया में मर्ज होने जा रही है। तो अभी बड़ा स्पेस है भारत की विमानन क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है ज़्यादातर कंपनियाँ घाटे में चल रही, इसी वजह से विस्तारा भी मर्ज हो रही। इसके अलावा देखें एयर इंडिया का अधिग्रहण भी हो रहा है। ये अपनी कम लागत वाली सहायक कंपनी जैसे हम देखें एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी अपने साथ विलय करने की बात कर रही है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत के जो विमानन क्षेत्र में जो छोटी विमानक कंपनी है वो घाटे में चल रही है और मर्ज करने की बात आ जा रही है। वहीं अगर हम देखते हैं तो भारतीय विमानन क्षेत्र में चल रहे एकीकरण के कारण जो क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन हो रहा है और छोटी कंपनियां इससे क्या हो रही हैं, पीछे हट जा रही हैं। और एक प्रमुख कारण क्या है, उनकी जो फाइनेंशियल इशू है, वित्तीय कठिनाइयां इनकी विफलता का प्रमुख कारण बन रही है। अगर हम बात करें तो गो एयरलाइन आपने देखा होगा, गो एयरलाइन इंडिया लिमिटेड का पुनरुद्धार के प्रयासों में धन जुटाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये भी क्या, गो एयरलाइंस जो है घाटे में चल रही है, अपने आप को रिवाइवल करने के लिए एक तरीके से इसमें स्ट्रगल चल रहा है। इसी तरीके से जो सस्ती एयरलाइन है की बात करें जैसे स्पाइस जेट ने भी पिछले 5 वर्षों से लगातार घाटे की सूचना दे रही है। वहीं जैसे गो एयरलाइन हो गया, स्पाइस जेट हो गया, ये कंटिन्यू अपने घाटे का क्या कर रही है, 5 वर्षों से घाटे में चल रही है। तो एक हमारे लिए प्रमुख क्या बन जाता है, चुनौती बन जाता है कि इनसे हम कैसे निपटें, ये प्रमुख चुनौती बन जा रहा है जिसके कारण दिवालियापन जैसे कार्यवाही हो रही है। तो एक तरीके विमानन क्षेत्र में जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं वो पूरे मार्केट शेयर को कैप्चर कर रही हैं, वहीं जो छोटी कंपनियां आती हैं उनके लिए एक अपने आप को सर्वाइव कर पाना एक स्ट्रगल के रूप में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय विमानन उद्योग के बारे में कि आज के डेट में जो इंडियन एविएशन सेक्टर है उसका क्या हाल है। तो दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू विमानन बाजार हो जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का विमानन क्षेत्र है वो दुनिया का तीसरा बड़ा विमानन क्षेत्र है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ ही 2024 में अगर घरेलू हवाई यातायात की बात करें तो लगभग 13.1 मिलियन यात्रियों तक पहुंच गया है। तो इतना बड़ा हमारे यहाँ मास पैसेंजर है फिर भी एक गैप देखने को मिल रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं कि जो छोटी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि 13.1 मिलियन यात्रियों की जो कवरेज किया गया है ये लास्ट ईयर का डाटा है। अगर हम बात करें तो इसमें कम लागत वाली जो एयरलाइनों का प्रमुख योगदान है जैसे एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट, इनका प्रमुख योगदान हो जाता है। ये जो अगर हम बात करें तो इंडिया के मास को ले जाना ये छोटी कंपनियों का इसमें प्रमुख योगदान हो जाता है। इसमें एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। अगर हम बात करें भारत को जो अब वैश्विक स्तर पर तीसरा बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, जैसे हमने बात किया 2024 में 376 मिलियन यात्रियों को संभालते हुए
ये क्या कर रहा है, साल दर साल ईयर बाय ईयर 15% की मजबूत वृद्धि दर्ज कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत का विमानन सेक्टर का ग्रोथ रेट 15% ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रहा है, या और इस वृद्धि की बात करें तो कई वाहकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद भी हमने इसमें लचीलेपन और विस्तार को उजागर किया। मतलब भारतीय विमानन क्षेत्र एक तरीके से देखते हैं तो कई एयरलाइंस घाटे में चल रही, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। अगर हम बात करें जो करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पे घरेलू हवाई यातायात में 6-8% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं अगर 2025 की बात करें तो 9-11% की वृद्धि का अनुमान है, और जो पैसेंजर्स की संख्या है वो 75-78 मिलियन यात्रियों के बीच होने की उम्मीद है। तो ये हमारे विमानन क्षेत्र के लिए एक आगे सुनहरा अवसर के रूप में दिख रहा है कि इतनी बड़ी मास, इतनी बड़ी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के घरेलू विमानन के लिए कई तरीके से प्रयास भी उठाए गए हैं। इन प्रयासों में अगर हम देखते हैं तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम को देख सकते हैं। उड़ान स्कीम के माध्यम से जो छोटे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक अभी विमानन की पहुंच नहीं है, जहां तक अभी एयर स्ट्रिप या कि एयरपोर्ट और ऐसी सुविधाएं नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना और आम आदमी को भी उड़ाने की बात की जा रही, इसको हम आगे ध्यान से देखेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि 10 वर्षों के लिए यह योजना बनी है जिसमें देश के नेटवर्क के सैकड़ों नए हवाई अड्डे जुड़ पाएंगे। वहीं अगर देखें कि इस विस्तार के बावजूद भी भारतीय विमानन बाजार जो है पिछले दशक की अगर हम बात करें तो कई हाई प्रोफाइल एयरलाइन जो है उसमें दिवालियापन देखा गया है, जिसमें हम किंगफिशर एक मुख्य रूप से देख सकते हैं, किंगफिशर देख सकते हैं, जेट एयरवेज को देख सकते हैं, गो फर्स्ट को देख सकते हैं। इतना हम विकास तो देख रहे हैं, उधर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भारतीय विमानन कंपनियाँ हैं उन पर एक दिवालियापन को भी देख रहे हैं। तो इसका एक चैलेंज के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मामले में जो चुनौतियाँ आ रही हैं, दिवालियापन है उसमें उच्च ऋण बोझ, हाई एक तरीके से डेप्ट को देख रहे हैं कि यहाँ पे ऋण बोझ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ में जो इनके फ्यूल्स है, ईंधनों की कीमत में उतार चढ़ाव के लेकर इनकी जो लागत आती है और इनकी क्षमताएं इनको सीमित करती हैं, इनकी क्षमताएं उतने वाहन को करना मुश्किल हो जाता है, इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है जब फ्यूल वैल फ्लैक्चुएशंस होता है। अगर एक एजेंसी है CAPA इंडिया, उसका अनुमान देखे तो भारतीय जो एयरलाइन है वो मार्च 2025 के अंत में 84 नए विमानन जोड़ेंगी। मतलब एक देख सकते हैं कि इसके अंत में हम 84 न्यू विमान को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे हमें घरेलू सेवा में और संख्या में वृद्धि हो जाएगी। घरेलू सेवा में टोटल 812 फ्लाइट हो जाएंगी, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कदम हो सकता है। वहीं बात करें कि इस उद्योग के पास लगभग 2000 विमानों का ऑर्डर है, अभी भी 812 तो टोटल है ही है, 2000 का ऑर्डर है जिन्हें आने वाले वर्षों में क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। तो एक तरीके से एक हम आगे की राय के रूप में देख रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि अभी कुछ वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र में कुछ नई एयरलाइंस का भी आगमन हुआ है, जैसे अभी संख क्या है, एक नई एयरलाइंस हुआ, उसी तरीके से हम मार्केट में आपने देखा होगा अकाशा एयर और फ्लाई 91 एयर, ये दो नई विमानन कंपनियां आई है। जब अकाशा एयर की बात करते हैं तो किसकी कंपनी है, ये राकेश झुंझुनवाला जो अब नहीं रहे उनके स्वामित्व कंपनी है। और वहीं बात करें तो फ्लाई 91 मनोज चाको और हर्ष राघवान की नेतृत्व वाली कंपनी है, और ये दोनों अपने वर्चस्व बनाने के लिए जंग कर रही हैं कि हम कैसे भारतीय विमानन क्षेत्र में अपना संघर्ष बना सके, और ये भी उन्हीं चुनौतियों से सामना कर रही हैं जो स्पाइसजेट गो एयर कर रही हैं। अगर बात करें इंडिगो और एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइन को विस्तार हो रहा है, वहीं छोटी जो कंपनियां हैं जैसे हमने बताया आकाशा एयर हो गया, फ्लाई 91 हो गया, तो इनके लिए एक अपनी प्रतिस्पर्धियों के लिए अस्तित्व बनाए रखना ये क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। इसी को हमको एक चैलेंज के रूप में हमारे विमानन क्षेत्र में एक चैलेंज देखने को मिलता है, इसी से हमको निपटने की ज़रूरत होती है। आगे बात करें कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट की बात करें, वो कहता है कि भारतीय जो एयरलाइंस है अंतर्राष्ट्रीय यातायात का बड़ा हिस्सा हासिल करने वाली हैं। अगर बात करें 2027-28 तक जो भारतीय एयरलाइंस है उसको 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब वर्ल्ड मार्केट का जो भारतीय एयरलाइंस का शेयर हो जाएगा 50% हो जाएगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर वर्तमान की बात करें तो 43% से अधिक का शेयर अभी है। यह सुधार भारत के नए मार्गों को जोड़ने, विमानों की तैनाती में वृद्धि करने और विदेशी एयरलाइनों की तुलना में
भारतीय वाहकों की बेहतर घरेलू कनेक्टिविटी को प्रेरित करता है और इसी की ओर आगे कदम बढ़ता जा रहा है हमारा। अगर यह उल्लेखनीय है कि भारत में जो हवाई अड्डा का बुनियादी ढांचा है वह तेजी से विकसित हो रहा है। हम जैसे बता दिया आपको, पहले ही बात किया कि उड़ान स्कीम जो है, उड़े देश का आम नागरिक इस योजना के तहत जो छोटे शहर है वहां तक हवाई यात्रा को पहुंचाने के लिए कदम आगे बढ़ रहा है। यहां पे हमको उड़ान यात्रा, जो उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के बारे में समझने की जरूरत है। यह आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो उड़ान योजना है उसका शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्या किस लिए क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में एक यह स्कीम आती है और यह 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय जो विमानन क्षेत्र में इसके उद्देश्य क्या देखते हैं, दूरस्थ और जो क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क और यात्रा में सुधार स्थापित करना उड़ान का स्कीम हो जाता है, स्कीम का उद्देश्य हो जाता है। इससे आम लोगों को सस्ती दरों में क्या हो पाएंगी, हवाई यात्राएं उपलब्ध हो जाएंगी और ये विमानन क्षेत्र है उसमें क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अभी संख एयरलाइन शामिल होने जा रही है, उत्तर प्रदेश के लिए एक अचीवमेंट के रूप में हम देखते हैं, भारत के लिए एक अचीवमेंट के रूप में देखते हैं। तो यह न्यूज़ यहीं तक होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।